ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਐਨਆਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। मोदी कैबिनेट के नए मंत्री विजय सांपला जी हमारे साथ हैं। सांपला जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। जो अगर हम बात करें विधान आने वाले चुनावों की, तो दलित वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, क्योंकि आपको लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं जिस तरह से आपको मंत्रिमंडल पर। मैं पहले भी दलित समाज में काम करता रहा हूँ और अब भी करता हूँ, मगर इतना है कि मुझे जिम्मेवारी जो दायित्व दिया है उस दायित्व को खूब निभाऊंगा और जो मोदी जी 2019 में रिपोर्ट कार्ड देंगे उसमें मैं हमारा होशियारपुर का भी अंश जाएगा। जिस तरह से आपको दिया है तो क्या क्या प्राथमिकताएं जो हैं लोगों से, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे ना। भाजपा काली गठबंधन पे थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं जिस तरह से, आप किस तरह? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बादल नहीं मंडरा रहा है, सब कुछ सुखद माहौल में चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पे विजय सांपला का कहना है कि कुछ भी जो है जो नहीं चल रहा है बिल्कुल साफ है कि, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पे दे रहे हैं कि भाजपा काली गठबंधन में जो है जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं वो काफ़ी यहाँ पे बयान देते नज़र आ रहे हैं कि भाजपा काली गठबंधन जो है वो दिखावा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अकाली भी इस पर जो है कुछ भी मीडिया के सामने जो है वो चुप्पी साधे हुए है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डीएनआई न्यूज़। खबरों की दुनिया में जाओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।